ऐसे टाइम पे ये बुढ़िया मंदिर क्या करने जा रही है? ये सब चल क्या रहा है? शगुन, ये खेल खेल के तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी शादी होती कैसे है। भाभी जल्दी करिए, बहुत लेट हो गए हम लोग। मुझे 3-4 बार कॉल कर चुका। हाँ बस हो गया 2 मिनट। अब तुम तैयार हो? हाँ ऑलमोस्ट। ये तो अपशगुन होता है ना? लल्ला, तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं भी आपको यहाँ देख के बहुत खुश हूँ दादी। लेकिन ये बता, तेरी अब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज अगर मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ शगुन है। न जाने अगर वो ना होती तो मेरा क्या होता। लेकिन लल्ला, आखिर हुआ क्या था? दादी, कोई मुझे मारना चाहता है। मारना चाहता है? ऐसा कौन चाहता है? हाँ दादी, शगुन ने मुझे सच में बहुरिया ने तुम्हें बचा कर हमें नई जिंदगी दी है। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो हम तो जीते जी मर जाते लल्ला। हाँ दादी, हमें जितना हो उतना शुक्रिया अदा उसका करना चाहिए। सही बात, हमारी शगुन बहुरिया है ही ऐसी, एकदम मोम जैसी। खुद जल जाएगी पर अपने रिश्तों पे आंच नहीं आने देगी। बेटा, आज हमसे एक वादा करो कि तुम जिंदगी भर शगुन का साथ निभाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों का मोल जानते हैं। बेटा, दादी मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा। पर ये तो बताओ कि वो है कौन जो तुम्हें मारना चाहता था? कोई तो है दादी, कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि मैं और शगुन एक हो। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि शादी ऐसे की जाए ताकि हमारे रिश्ते पर दोबारा कोई बुरी नजर ना डाल सके। भाभी जल्दी करिए, मेरे प्यारे भैया अपने होने वाली ब्यूटीफुल वाइफ का वेट कर रहे होंगे। नव्या, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, किसी की नजर ना लगे आपको। अब चलें, भैया वेट कर रहे होंगे। हाँ चलें।
मैं शादी आपके आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं। कनिका बुआ, वो यहां क्यों नहीं? दादी, हालात ही ऐसे हैं। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए ये सब किया। हम समझते हैं बेटा, पर कोई नहीं, तुम दोनों की खुशी में हम सबकी खुशी है। हाँ दादी। पर दादी, आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं हो बेटा, हमने किसी को कुछ नहीं बताया, पर ये तो बताओ कि हमारी लल्ला की दुल्हन है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही? वो बस नविया लेकर ही आती होगी ताई को। अच्छा, रिक्शा, 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 टैक्सी, टैक्सी, कोई बात क्या, आराम से बैठिए। हाँ। अरे टैक्सी, भैया, टैक्सी! अरे नव्या, अरे भैया गाड़ी रोको, नव्या! ये कौन है भैया? गाड़ी रोक के क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोकिए, भगवान के लिए गाड़ी रोकिए, प्लीज रोक दीजिए, प्लीज क्या कर रहे हैं आप? पहचाना? ऊपर जी आप? तुझे क्या लगा? तू जैसी बिल्लियों से मुझ जैसा शेर चकमा खा लेगा? जानता था तो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी, इसलिए पहले से इंतजाम कर रखा था मैंने। चल अभी तेरे को दिखाता हूँ। गाड़ी रोकिए, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? गाड़ी रोकिए, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज गाड़ी रोकिए। ऊपर जी गाड़ी रोकिए, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, शादी करनी थी ना। चलो गाड़ी रोकी, क्या करिए? बेटा, जरा फोन करके देखो, नव्या को पूछो कि कहाँ है वो लोग। बहुरिया को अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ युग। जी जी दादी, मैं करता हूँ। हाँ। आप क्यों रही हो? शगुन का है। भाई हम घर से निकले थे कि कौन थे वो लोग? जो गाड़ी चला था उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था, मैं देख नहीं पाई। अगर मेरी ताई के साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पहले कुछ छोड़ो, आप लोग यहीं रुको, मैं उसे लेके आता हूं। जल्दी मैं भी चलूं। चल सफर के, सफर के। ये काना मेरे बच्चों को,
गणपति बाप्पा। शायद तू भूल गई है कि शेर जितना भी जख्मी हो जाए शिकार करना कभी नहीं भूलता। तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगी? अरे मैं आज तक अपने आप से नहीं हरा तो कोई और मुझे कैसे हराएगा? हाँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सही सवाल पूछा तूने, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक है, तुम इस प्रॉब्लम की वजह हो। मैं तो सिर्फ शुभ का बिजनेस लेना चाहता था, उसकी जायदाद लेना चाहता था, लेकिन तुम मेरे रास्ते में कांटा बनकर हर प्लान को चौपट करती रही। मैं कभी किसी का खून नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी जान ले लूं, अपने हाथ तेरे खून से रंग दूं, एक जंगली भेड़िया बनके तुझे मार डालो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सिर्फ शुभ को पागल करना चाहता था, उसे पागल खाने भेजना चाहता था, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी है। अब देख देख इसका नतीजा, यहाँ बंदी हुई है और शुभ के बदले अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा, समझी? नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी शादी होने वाली आज, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जानता हूँ तेरी शादी होने वाली थी, जिस अग्नि को साक्षी मानकर तू सात फेरे चक्कर लगाने वाली थी ना, अब उसी अग्नि में उसी अग्नि के हवाले मैं तुझे करने जा रहा हूँ शब। ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि अगले जन्म में हमारा आमना सामना माँ हो, वरना तुम्हारा अगला जन्म भी वेस्ट हो जाएगा शगुन। आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे आप। उल्टा बोल रही है तू, अगर मैंने ते को मारा नहीं ना तब मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा शगुन। नहीं अलविदा शगुन। नहीं नहीं बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी ऐसा मत कीजिए। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, बुआ जी ऐसा मत कीजिए, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी रुकिए, बुआ जी। ये लड़की बहुत शातिर है, जब तक जल के राख ना हो जाए तुम लोग यहाँ से हिलना मत, तब तक मैं इसके आशिक को निपटा के आता हूँ। बुआ जी इन्हें देखा गई? नहीं सर नहीं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब इन्हें देखा गई? मैंने नहीं देखा। अरे शुभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शगुन को ढूंढ रहा हूँ। मैंने शगुन को अभी अभी वहां जाते हुए देखा टैक्सी में। इधर वो तो उस समय गई थी वहां से। अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं साफ साफ जानता हूँ कि आपने मेरे ताई को किडनैप किया है अपने काले करतूतों को अंजाम देने के लिए। पागल हो गए हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो? अब उनको टैक्सी में जाते हुए देखा और तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो? उठाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपको क्या लगता है मैं आपके बारे में नहीं जानता। मैं आपके सारे नाटक जानता हूँ और जीजा जी इन पे भरोसा मत कीजिए। यही वो शख्स है जिन्होंने आपको पागल खाने भेजा था, और आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं होता ना तो ताई से खुद पूछ लीजिएगा। इन्होंने घिनौने खेल खेल के आपके भरोसे का कत्ल किया है। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलत समझ हो गई है। युग मैं जानता हूं कि मेरे और शगुन के बीच में प्रॉब्लम थे। शुभ मेरे बेटे जैसा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं जानता हूं कि मेरे और शगुन के बीच में प्रॉब्लम थे, लेकिन वो भी मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम कभी नहीं लगाया जैसे तुम बात कर रहे हो। भगवान से डरिए, भगवान से।
अगर उससे भी डर नहीं लगता ना तो कर्मों से डरिए, क्योंकि भगवान एक बार माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। और जीजा जी, मैं इनको अच्छे से जानता हूं, ये आस्तीन के सांप है सांप। अगर आपने दोबारा इन्हें माफ किया ना तो जरूर डसेंगे आपको। शुभ, तुम मेरे बेटे जैसे हो, ठीक है, मुझ पर यकीन मत करो। जब शगुन मिलेगी ना उससे पूछ लेना, तब दूध का दूध आता है। और साफ सभी बताइए कि मेरी ताई कहां है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी ताई को कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। युग छोड़ो, युग छोड़ो, उन्हें युग छोड़ो, ये वक्त इन चीजों का नहीं है। मेरी शगुन को ढूंढना है और सच क्या है मैं शगुन से पूछ लूंगा। एक काम करो, तुम उधर ढूंढो, मैं इधर जाता हूं। मेरी तरफ देखो, युग उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूं, और कुछ भी हो मुझे फोन करना। जाओ, गो गो। सच का पता तो तब चलेगा जब शगुन तुम्हारे हाथ लगेगी। अब तक तो वो अपने खुद की जलाई हुई आग में स्वाहा हो चुकी होगी। मुझे को कैसे भी करके रोकना होगा, नहीं तो वो शुभ सर को कुछ कर देंगे। भाई साहब, आपने नहीं देखा? नहीं देखा साहब। इनको देखा आपने? हाँ, प्लीज प्लीज ध्यान से देखिए भाई साहब, ये चाप की दुकान पे तो नहीं। तुझे कैसे भी करके इनसे बचना होगा। सुन, अगर अपनी जान बचानी है तो समय रहते सबको बता देना चाहिए। हाँ, तूने सही कहा, बता दे उनको फोन करके। अलर्ट को बोलो, उस मनोज को जला के राख कर दिया ना। वो कमबख्त निकल के भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर वो हाथ से निकल गई ना तो मैं ना तुम्हारी चमड़ी उखेड़ के कुत्तों को खिला दूंगा। ढूंढो उसे। क्या कहा? अरे ढूंढना पड़ेगा, चल। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर ये शुभ शगुन मिल गए तो मेरी कहानी खत्म। मिली।
नहीं,